राजधानी जयपुर में जुटेंगे ब्राह्मण। विद्याधरनगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत आज केंद्र और राज्य मंत्रियों के साथ दिग्गज स्टेज शामिल होंगे। 4.5 लाख मित्र बंधुओं के जुटने का दावा किया जा रहा है और भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। समाज की मुख्य मांगों से राजनीतिक दलों को भी रूबरू करवाया जाएगा और महापंचायत को देखते हुए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। तो 4.5 लाख मित्र बंधुओं के जुटने का दावा और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और जिस तरह से इसका प्रचार किया गया, जिस तरह से महापंचायत में आने के लिए निमंत्रण दिए गए, पहुंचाए गए गांव गांव तक, लोगों में, ब्राह्मण समाज के लोगों में इस चीज को लेकर बहुत उत्साह है। आपने राजधानी जयपुर की सड़कों को देखा होगा, पोस्टर्स और बैनर्स से अटे हुए, क्योंकि उसमें शुभकामनाएं देते हुए और ब्राह्मण महापंचायत में एक तरीके का इन्विटेशन देते हुए अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी फोटोग्राफ्स जगह जगह लगवाई है। और कुल मिलाकर की खुशी उनके मन में है कि हाँ, इस तरह का एक आयोजन मुमकिन हो पाया है, जिसमें जो विशेष तौर पर समाज के लिए है, ब्राह्मण समाज के लिए है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़े हुए बड़े चेहरे, जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और ब्राह्मण समाज की जो मांगे हैं उन्हें इसी मंच से फिर उनके मंत्रियों तक और जो विधायक वहां पर पहुंचेंगे, जो जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, उनके ध्यान में लाया जाएगा। विद्याधरनगर स्टेडियम जहां पर जाट महासभा हुई थी, जाट महाकुंभ हुआ था, उसी जगह पर, क्योंकि कैपेसिटी भी उसकी बहुत ज्यादा है, तो लोगों के अगर 4.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है तो आसान होगा वहां पर उनका रुकना, जुटना और व्यवस्थाएं भी वहां पर सरह से माकूल प्रबंधन के तौर पर की गई। चलिए, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ भी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, ब्राह्मण समाज के लिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा इस तरह का आयोजन महापंचायत ब्राह्मण आज से शुरू हो रही है, आज शुरू होने वाली है, और जिसको लेकर के 4.5 लाख विप्र बंधुओं के जुटने के दावे किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी उसी तरह की है, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये महापंचायत, एक जाजम पर सभी का जुटना इतनी बड़ी संख्या में? जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह का कह सकता है कि क्रम है, आ जा सकता है कि साल में कुछ दिनों से सामाजिक कार्यक्रम संख्या में हुए हैं जी। जो कार्यक्रम आज का होगा, राजस्थान में इस बात को लेकर माहौल है, ब्राह्मण समाज के अंदर रात तक की बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जयपुर में देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि राज में जुटे लोग ताकत संदेश देंगे ही देंगे। ब्राह्मण समाज हमेशा से कह सकता है कि देश देने का काम करता है, आदिकाल से ही जो करता आ रहा है, देश देने का काम भी देखने को मिलेगा। तैयारियां सभी ब्राह्मण संगठन एक जाजम पर होंगे जी। क्यों की बात करें, नैतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, समाज जो कहेगा वही तय किया जाएगा, क्योंकि जो वाणी होगी पूरे कार्यक्रम की दिशा और दशा को तय करेगी जी। मंत्री अश्विनी वैष्णव परशुराम का डाक टिकट पर मोचन करेंगे, तो वही केंद्रीय मंत्रियों के जरिए उनको देश होगा, उनका पूरा समाज के सामने जी, राजनेता बात रखेंगे। सेना जो लगातार तैयारी में जुटी थी पिछले कुछ दिनों से, अलावा भी जो सभी संगठन है, चाहे वो उनसे जुड़े जितने भी संगठन है जी, अलग आज में करते हैं, सभी एक जाजम पर आ चुके हैं, तैयारियां बहुत तेजी से, सभी राजनेता जो ब्राह्मण चाहते हैं वो भी मौजूदगी उनकी रहेगी, राजनेता दलों परे रहो, लेकिन यहाँ पर दलीय राजनीति की बात नहीं होगी, समाज की बात होगी, साथ ही रंग जो कार्यक्रम है वो भी देखने को मिलेंगे, सबका जो माहौल है रहेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, पहले शुरुआत हुई थी हीरक जयंती क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम, सनी हुआ था भवानी निकेतन में, वो कार्यक्रम बहुत ही अंधार भी था और साथ ही कार्यक्रम देश भी दिया था कि कैसे समाज के शासन में रह के कार्यक्रम करता है। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले महाकुंभ जयपुर की जयपुर में हुआ जी, बहुत ही अच्छा जोड़ कार्यक्रम रहा, कहा जा सकता है कि देश भर में
नगर स्टेडियम में ही जाट महाकुंभ हुआ था। योगेश जी, अपने आप में एक बड़ा आयोजन, और आज ब्राह्मण बंधुआ पंचायत के जरिए कई मांगी भी समाज की पहुंचाई जाएगी। इसी में हमसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।